गाइस, अगर आप एक स्टूडेंट हैं या अगर आप एक प्रोफेशनल हैं तो डेफिनेटली आईपैड आपके लिए हो सकता है। और एप्पल बार बार नए नए अपग्रेड्स लेके आता रहता है। फिलहाल हमारे पास में आ गया है ये ब्रांड न्यू आईपैड 10th जनरेशन वाला ऑल न्यू डिजाइन के साथ में। आज आप इस वीडियो को देखते रहिए लाइक और शेयर करते हुए। हमारे पास में काफी चटक येलो कलर में आ गया है, तो देखते हैं आखिर की एप्पल ने क्या कुछ पैक किया इसी नए नए आईपैड में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। गाइस, बात करेंगे अनबॉक्सिंग की, तो हमारे पास में इस आईपैड के अलावा ये सारी ढेर सारी एक्सेसरीज भी आ गई हैं जो इस आईपैड के साथ मिलने के बाद इसको और ताकतवर और ज़्यादा पावरफुल बना देती हैं। खैर, हमारे पास में सबसे पहले ये आईपैड है जो कि है 256 GB कैपेसिटी में, और ये आता है वाईफाई प्लस 5G के साथ में, जो कि हमारे पास फिलहाल वेरियंट है, टॉप वेरियंट है। इसकी प्राइस है 74,900 रुपीज़। वैसे स्टार्टिंग प्राइस जो है वो 44,900 है। हम खैर जल्दी से करते हैं इसको अनबॉक्स, और अगर हम बात करें की तो इसका मजा अलग ही आता है। तो गाइस देखो, आईपैड आपके पास में आ गया, एक्सेसरीज भी आ गई, और यही वो एक्सेसरीज है जो आई थिंक आपके एक्सपीरियंस को कंप्लीट करती है। मतलब यू नो, ऑल्दो तो ठीक है आपने आईपैड लिया और यू नो आपने केस लगा लिया, वो एक अलग बात है, बट अगर आपको एप्पल के तरीके से आगे बढ़ना है, अगर आपको चाहिए जेन्युइन एक्सेसरीज, तो यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं हमारे पास में, एक तो ये है जो कि इनका नॉर्मल एक फोलियो केस जो आता है कि आपने जो है अपने आईपैड को ऐसा सिंपल अटैच किया बड़े आराम से और ये ऐसा हो गया है, और ये बाद में आप इसको अलग अलग एंगल्स पे ऐसे रख सकते हो, आप इसको ऐसे करके ऐसे भी रख सकते हो, यू कैन ड्रॉ समथिंग एंड ऑल, एंड बाकी प्रोटेक्शन के लिए ये ऐसा रहेगा। तो ये तो आ गया आपका सिंपल फोलियो केस। बट अगर आपको चाहिए कीबोर्ड, तो कीबोर्ड के लिए हमारे पास में इस बार ये नया आ गया है जो कि है मैजिक कीबोर्ड फोलियो, और ये टू पार्ट में ऐसा आता है। ये जो पार्ट है पीछे वाला, ये आपके आईपैड के साथ आप इसको ऐसे अटैच कर लो। इसके बाद में क्या होता है कि आप इसको नॉर्मल ऐसे भी यूज़ कर सकते हो अगर आप चाहो तो, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है पीछे इस प्लेट का, और इसके बाद में ये ऐसे इस एंगल पे थोड़ा सा और नीचे कर लो, इस टाइप से करके आप इसको ऐसे भी यूज़ कर लो। तो यू कैन यूज़ यू नो अक्रॉस डिफरेंट एंगल्स, और अगर आपको कीबोर्ड चाहिए तो ये बड़े आराम से ऐसे चिपक जाएगा। उसके बाद में इसको हटाओ और रख के यू कैन हैव लाइक नॉर्मल ऐसा एक्सपीरियंस। ऑल्दो ये क्योंकि फ्लेक्सिबल है तो ये लैपेबल नहीं है इतना ज़्यादा, मतलब अपनी गोद में रख के अगर यूज़ करो थोड़ा सा ये फ्लिम्सी रह सकता है, बट यू हैव फुल फ्लेजिड कीबोर्ड विद नो ऑल द शॉर्टकट्स, ट्रैक पैड वगैरह काफ़ी सही रहता है, और आपको जो एक्सपीरियंस है यूजेज का वो काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। फिर अगर हम बात करते हैं एप्पल पेंसिल की, तो यहाँ पे एप्पल पेंसिल का जो ऑप्शन है वो ये है, एप्पल पेंसिल 1st Gen हमको मिलती है। अब क्योंकि इस बार आईपैड में टाइप सी पोर्ट आ गया है, और ये जो पेंसिल है ये लाइटनिंग पोर्ट वाली है, जो कि पहले आईपैड के नीचे घुस के चार्ज हुआ करती थी, अब आप इसको कैसे चार्ज करोगे, तो उसके लिए आपको लेना पड़ेगा ये, और ये एक अडैप्टर है जहाँ पे आप एक तरफ लगाओगे अपनी इस पेंसिल को, इस तरफ लगाओगे जो केबल आई है बॉक्स में साथ में उसको, और नीचे इस आईपैड से अपनी इस पेंसिल को चार्ज करोगे। तो दिस इज़ हाउ द यू नो कंप्लीट सॉल्यूशन इज़। एक बार आप देखो पहले ध्यान से क्लोजली इस आईपैड को और इसके चटक चटक यू नो कलर्स के अंदर कैसा ही दिखता है, फिर हम बात करते हैं बाकी स्पेक्स के बारे में। तो अगर हम बात करते हैं खैर स्पेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इस न्यूली रीडिजाइंड एप्पल आईपैड 10th जनरेशन की, तो यहाँ पे ये अभी मॉडर्न आईपैड से लगता है एकदम ऐसा बॉक्सी डिजाइन में। अगर हम बात करते हैं यू नो एक फिजिकल ओवर व्यू की, तो अगेन काफी स्लीक डिजाइन है। हमारे पास में अगर हम बात करते हैं राइट साइड की, तो यहाँ पे ये एक सिम ट्रे हमको मिल जाती है, इसके ऊपर यहाँ पे दोस्तों वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन हैं। टॉप में हमारे पास में यहाँ पे ये टच आईडी वाला ऑप्शन आ गया है जो कि पहले सामने हुआ करता था, तो यहाँ पे अगेन यू नो इट्स अ मॉडर्न टच जैसे कि बाकी आईपैड्स में होता है काफी सारे। ऊपर हमारे पास यहाँ पे कुछ स्पीकर ग्रिल्स हैं, एंटीना बैंड्स हैं। अगर हम बात करते हैं
लेफ्ट साइड की, तो यहाँ पे हमारे पास में फिर ये हमको स्मार्ट कनेक्टर वाली ये पिंस मिल जाती हैं जिसके चलते कीबोर्ड वगैरह अटैच हो जाता है। अगर हम बात करते हैं नीचे, तो यहाँ पे ये आता है इसी यूएसबी सी पोर्ट के साथ में, जहाँ पे अगेन हमको स्पीकर ग्रिल्स मिल जाती हैं। और पीछे ऑफ कोर्स एप्पल लोगो है, ब्राइट येलो कलर है, 12 मेगापिक्सल्स का कैमरा हो गया है, पहले 8 था तो बढ़ के ये 12 हो गया है। और इसी के नीचे है माइक्रोफोन, आईपैड की ब्रांडिंग। और अगर हम बात करते हैं सामने, तो यहाँ पे ये जो आईपैड है ये लेके आता है अभी एक 10.9 इंचेस का नो रिटिना डिस्प्ले, जो कि अगेन प्रोमोशन को तो खैर ऑफकोर्स सपोर्ट नहीं करता है, बट थोड़ा सा मॉडर्न हो गया है यू नो विद स्लीकर बेजल्स, क्योंकि यहाँ पे वो होम बटन जो था वो निकल चुका है। अगर हम बात करते हैं यू नो कैमरा की, तो यहाँ पे एप्पल ने एक चेंज किया है, और ये पहला ऐसा आईपैड है जिसमें हमको चेंज मिला है कि जो फ्रंट कैमरा है, पहली बात तो अगेन वो 12 मेगापिक्सल्स का है सेंटर स्टेज के साथ में, और ये आता है अभी इस लैंडस्केप साइड में, इसमें बीचों बीच। तो जब आप इसको ऐसे यूज़ करते हैं यू नो लाइक विद कीबोर्ड, या अगर उसको ऐसे पकड़ते हैं वीडियो कॉल्स के लिए, तो आपका जो सामने कैमरा है वो एकदम सेंटर में आ गया है, पहले साइड में हो करता था जो टॉप पैनल पर होता था, तो यहाँ पर ये चेंज हो गया है। अगर हम बात करते हैं यू नो स्क्रीन की, तो ऑफकोर्स ये विद यूनिफॉर्म बेजल थोड़ा सा दिखने में मॉडर्न लगता है। और इंटरनल से अगर हम बात करें, तो यहाँ पर भी एप्पल लेके आता है 14 बायोनिक चिप, जहां पे अगेन यू नो परफॉर्मेंस पुराने आईपैड 9 जनरेशन के कंपैरिजन में ज्यादा हो गई है, बिकॉज उसमें थी 13 बायोनिक चिप। इसके अलावा यहां पे हमारे पास में अभी ऑफ कोर्स लाइटनिंग जगह यूएसबी सी पोर्ट आ गया है, 5G का सपोर्ट आपको इसके अंदर मिल चुका है, साथ में जो ब्लूटूथ है वो हो गया है अभी वर्जन 5.2। और यू नो जैसे फॉर एग्जांपल अभी 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आ गया है, या फिर जो एक्सटेंडेड डायनामिक रेंज रिकॉर्डिंग है उसका ऑप्शन भी आ गया है। तो ये पुराना जो अपना आईपैड था 9 जन वाला, उसके कंपैरिजन में काफी सारे अपग्रेड्स लेके आता है, और एप्पल ने उस 9th जेन वाले यू नो आईपैड को अभी तक डिसकंटिन्यू नहीं किया है। तो इट इज द चीपेस्ट आईपैड टू बाय। अगर हम बात करें, ये जो है ये स्टार्ट होता है 44,900 रुपीज से। और यार अगर आपसे बात करता हूं यू नो फंक्शनैलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बिकॉज आप इसमें कीबोर्ड अटैच कर सकते हैं, आप इसको यूज कर सकते हैं एप्पल पेंसिल के साथ में, तो अगर आपको स्केचेस करने हैं यू नो, अगर आपको कुछ नोट्स लेने हैं, अगर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स पे काम करना है, अगर हम बात करते हैं लेट्स से एंटरटेनमेंट की, तो एंटरटेनमेंट भी काफी अच्छा हो जाता है। उसके अलावा जो ब्रांड न्यू अभी आईपैड ओएस 16 है, उसके अंदर आपको नो डेफिनेटली जो एप्स की क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी मिलती है, आपका जो कंप्लीट एक्सपीरियंस है यू नो अगर हम बात करें परफॉर्मेंस की एज अ स्टूडेंट, तो वो डेफिनेटली बहुत अच्छा रहने वाला है। मेरी तरफ से एक चीज़ जो मैं मिस कर रहा हूँ यार, वो ये कि इसमें हमको वो जो नई वाली सेकेंड जन वाली एप्पल पेंसिल, उसका सपोर्ट नहीं मिला है एप्पल की तरफ से। और ये जो पेंसिल है अगर हम बात करें, तो यार इसको ना आप कहीं किसी केस में या कहीं पे ऐसे उसको आप चिपका नहीं पाएंगे, बिकॉज दिस इज राउंड, और चार्ज करने के लिए आपको ये केबल और इसका यूज़ करना पड़ेगा। अब ये रीज़न हो सकता है कि क्योंकि हमारे पास में यहाँ पे जो भी सेल्फी कैमरा है वो इस साइड में आ गया है, अब यहाँ पे ही पूरा चार्जिंग का सिस्टम था, तो बिकॉज इसके अंदर जो कंपोनेंट्स लगे हैं वो कैमरा के लगे हैं, तो आप ऐसा कर नहीं सकते थे। और कुछ और अगर डिज़ाइन में चेंज करते ऊपर नीचे या समथिंग, तो माइट नो नॉट हैव बीन पॉसिबल, तो एप्पल ने शायद इसलिए डिसीजन लिया है। तो ये एक मेरी तरफ से रहेगा यू नो ग्राइप। अदरवाइज परफॉर्मेंस तो यार एज ऑलवेज आपको पता ही है कि आईपैड से कितनी ज़्यादा टॉप नॉच होती है, और अगर हम बात करें किसी भी टाइप की ऐप को यूज़ करने की, डेफिनेटली बहुत सारी प्रोफेशनल ऐप्स भी अवेलेबल हो जाती हैं, और एज अ स्टूडेंट अगर आप यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली यू नो यू विल एंजॉय दिस। एक बात है कि 45,000 का आईपैड है स्टार्टिंग, एंड देन कीबोर्ड इज ऑल्सो 25,000 रुपीज़, 24,900 रुपीज़ प्राइस, तो अगर आप दोनों को ऐड करेंगे तो प्राइस थोड़ा ऊपर जाता है। तो अभी के लिए भी आई वुड से द काइंड ऑफ नो एंट्री लेवल आईपैड, जो आईपैड 9th जेन वाला है, ऑल दो द डिज़ाइन इज थोड़ा सा डेटेड है, यू नो आपका टच आईडी सामने आ गया है, लाइटनिंग पोर्ट वगैरह है, बट स्टिल द मोस्ट अफोर्डेबल आईपैड इज स्टिल यू नो काइंड ऑफ अ ग्रेट डील, अगर आप उस प्राइस की बात करते हो, ये थोड़ा सा ऊपर आ जाता है। तो खैर ये था ब्राइट येलो कलर वाला ये आईपैड 10th जनरेशन। कलर्स इसके अलावा और भी अलग अलग हैं, काफ़ी सारे ब्लू आ गया है, पिंक आ गया है, सिल्वर भी है थोड़ा सा जो स्टैंडर्ड है, बट दिस इज यू नो हाउ इट इज। मुझे मतलब अच्छा तो लगा यार, देखो ये कीबोर्ड भी ना ये काफ़ी नई अप्रोच है कि इट अटैचेस लाइक दिस एंड इट्स बहुत स्ट्रांग है। आई थिंक इसको अगर उल्टा पकड़ें क्या भाई, मैग्नेट्स जो एप्पल यूज करता है वो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा, इसको हिलाएं अगर, मेरे हाथ पे हवा लग रही है आईपैड की, डेफिनेटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो दिस इज द आईपैड 10th जनरेशन। आप बताओ गाइस कि आपको ये कैसा लगा। अगेन यू नो एज अ स्टूडेंट यू माइट स्टार्ट विद द 9th जेन वाला, अगर आप और ऊपर जाते हैं तो फिर तो कोई लिमिट ही नहीं है, आईपैड प्रो लाइनअप के अंदर आप एंटर कर सकते हैं। खैर उसका वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है, वो रखा है पीछे आप देख ही पा रहे हैं हमारे पास में। तो दिस इज इट।
आपका क्या फीडबैक है, मन की बातें क्या है, वीडियो को लाइक शेयर करते हुए जरूर बताना। मैं आपको मिलता हूं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।